हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर या आमतौर पर जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, एक बहुत ही घातक और बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेंगू फीवर होने के पीछे कॉजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण इसमें हमें दिखाई देंगे, कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी में हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम डेंगू से बच सकते हैं, और अगर आपका डेंगू डायग्नोस हो गया है, डेंगू पॉजिटिव आया है, तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसका यूज़ करके आप अपने डेंगू की प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं आप अपने इस प्रॉब्लम को। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है जिसे टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेंगू फीवर एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। एडिस प्रजाति का एक मच्छर होता है जो किसी व्यक्ति को जब काटता है तो उसकी बॉडी में डेंगू के वायरस आ जाते हैं और व्यक्ति को डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें तो डेंगू का सबसे मेन लक्षण होता है रैसेस। पूरी बॉडी में रैसेस आ जाते हैं रेड कलर के, और उस रैसेस में इचिंग होने लगती है। साथ ही हाई ग्रेड टेम्परेचर रहता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, बहुत तेज फीवर रहेगा, जैसे 101 डिग्री, 102 डिग्री या उससे भी ज़्यादा उसको टेम्परेचर रह सकता है। टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी एक की प्रॉब्लम रहेगी, यानी पूरे हाथ पैर में काफ़ी ज़्यादा उसको पेन होगा, बहुत ज़्यादा मसल्स पेन होगा, शरीर के जितने भी जोड़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तेज हेडेक रहता है, हेडेक के साथ साथ आई में भी पेन रह सकता है, नौजिया की प्रॉब्लम होगी, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी। और अगर व्यक्ति अपना CBC करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, तो उसकी जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम आते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं उसमें आपका प्लेटलेट्स काउंट भी कम आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको स्पेसिफिक अपना डेंगू का टेस्ट करवाना है जिससे आपको ये कंफर्म हो सके कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली डेंगू की प्रॉब्लम है या आपको किसी दूसरे प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल फीवर हुआ है। देन अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। अगर आपके एरिया में, आपके आसपास कहीं डेंगू फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो आपको यूपिटोरियम पर्फ की 30 पोटेंसी लेकर आना है, और अपने फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सभी में ये मेडिसिन यूज़ करनी है। दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। अगर आप छोटे बच्चों को ये मेडिसिन देते हैं, जैसे 5-6 साल से एज के कम के बच्चे हैं, उनमें अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हैं यूपिटोरियम पर्फ की 30 पोटेंसी, तो आप उसको 2 ड्रॉप की जगह 1 ड्रॉप दीजिए। जैसे 1 ड्रॉप मॉर्निंग में दे दीजिए और 1 ड्रॉप दे दीजिए इवनिंग में। और 5-6 साल से बड़े जितने भी लोग हैं उनको ये 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार मॉर्निंग में और इवनिंग में इसको आप दीजिए। देन अब बात करते हैं हम, अगर डेंगू किसी को डायग्नोज हो चुका है, डेंगू पॉजिटिव आया है, तो कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो यूज़ करें तो आपके डेंगू की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगी। सबसे पहले तो डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन, और दूसरे नंबर पे आपका मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको लेके आना है यूपिटोरियम पर्फ की 30 पोटेंसी। यूपिटोरियम पर्फ हम डेंगू की प्रिवेंटिव मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको डेंगू पॉजिटिव आया है तो भी यूपिटोरियम पर्फ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। यूपिटोरियम पर्फ जो बेसिकली आपका हाई ग्रेड टेम्परेचर है उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और हाई ग्रेड टेम्परेचर के साथ साथ जो आपको बॉडी एक की प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैर में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उन सभी में यूपिटोरियम पर्फ का बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। तो आपको यूपिटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में लेके आना है। दूसरे नंबर में आपको लेके आना है एकोनाइट 30 पोटेंसी में। एकोनाइट जितने भी एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होते हैं, आपको जितने भी एक्यूट वायरल डिसीजेज होते हैं सभी में बहुत ही अच्छा एक्शन करती है। अगर आपको फीवर आ रहा है, बॉडी एक की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स को आपकी एकोनाइट मेडिसिन कवर करेगी। तो आपको एकोनाइट 30 पोटेंसी में लेकर आना है। तीसरे नंबर में आपको जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में लेकर के आना है। जैल्सीमियम फीवर के साथ साथ जो पूरे शरीर में डलनेस है, सुस्ती है, जो लॉस ऑफ एनर्जी जो फीलिंग हो रही है, वो सभी में जैल्सीमियम का वर्क जो है वो बहुत अच्छा है। और फोर्थ नंबर में आपको लेकर के आना है रश टॉक्स 30 पोटेंसी में। रश टॉक्स मेडिसिन
स्पेशली रेनी सीजन में जो आपको फीवर है, डेंगू स्पेशली जो बरसात के सीजन की बीमारी है रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन में स्पेशली फीवर के में बहुत ही अच्छा वर्क करती है रश टॉक्स, और उसके साथ साथ ही जो बॉडी एक की प्रॉब्लम है उसमें रश टॉक्स का एक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको इन चारों ही मेडिसिन का यूज़ करना है, इपेटोरियम पर्फ का, देन सेकेंड आपको एकोनाइट 30, थर्ड जेलसीमियम 30 और फोर्थ रश टॉक्स 30। आपको ये चारों ही मेडिसिन लेकर के आनी है और एक खाली बॉटल लेके आना है। जैसे आपने 30 ml की बॉटल एक ले ली तो उसमें इन चारों ही मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में, जैसे आपने लगभग 7 ml के करीबन आप चारों ही मेडिसिन का उसमें ऐड कर लीजिए उस खाली बॉटल में, और उसको आप अच्छे से शेक कर लीजिए। उसके बाद आप इसको हर 2-2 घंटे के गैप में, जो डेंगू का व्यक्ति है उसमें आप हर 2-2 घंटे के गैप में इस मेडिसिन को यूज़ कीजिए। जैसे आप 8 बजे उसको ये मेडिसिन दे रहे हैं 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में, उसके बाद 10 बजे उसमें ये मेडिसिन दीजिए, यानी ऐसे ही हर 2-2 घंटे के गैप में उसमें ये मेडिसिन दीजिए, तो बहुत ही अच्छे उसको इसके रिजल्ट मिलेंगे। देन सेकेंड नंबर में अब हम बात कर लेते हैं मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको लेके क्या आना है, कैरिका पपाया का मदर टिंचर। कैरिका पपाया, ये पपाया से बनी हुई एक मेडिसिन होती है, और आप सभी को पता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो जाते हैं, और पपीता जो होता है वो प्लेटलेट्स काउंट को इनक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और ये पपाया से ही बनी हुई मेडिसिन होती है। तो आपको कैरिका पपाया का मदर टिंचर लेकर के आना है, और दूसरे नंबर में आपको लेकर के आना है ऑसिमम सेंटम का मदर टिंचर। ऑसिमम सेंटम ये आपके प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाएगा, और साथ में ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करेगा, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। तो आपको इन दोनों ही मदर टिंचर को लेके आना है, कैरिका पपाया का मदर टिंचर और ऑसिमम सेंटम का मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर को भी आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है एक 30 ml की खाली बॉटल में। जैसे 15 ml आप कैरिका पपाया ऐड कर लीजिए और 15 ml आप ऑसिमम सेंटम आप उसमें ले लीजिए। इन दोनों को ही अच्छी तरीके से मिला के आपको इसको दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को 1/4 कप गुनगुने पानी में इसकी 20 बूंद ऐड करके आपको पीना है। तो इन दोनों ही मेडिसिन का जो डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन मैंने बताया और मदर टिंचर कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, ये दोनों ही मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपके डेंगू के केस में। देन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो डेंगू फीवर होता है उसमें बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें आप अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, फ्लूइड लेवल को आप मेंटेन करके रखें। और दूसरी चीज़, अगर आपका प्लेटलेट्स जो है वो कम होते जा रहा है, अगर आपका जो प्लेटलेट्स कम हो रहा है और साथ ही आपकी हालत में आपकी सुधार नहीं आ रही है, फीवर जैसे आपका कम नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए आप, ताकि आपकी प्रॉपर केयर हो सके, आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो सके, फ्लूइड का आपका जो यानी आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज रह सके। आप इसके साथ साथ हॉस्पिटल में हैं तो भी आप दूसरी कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ भी आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको क्विक क्योर होने में। और उसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है, जैसे आपके आसपास के एरिया में अगर डेंगू फैला हुआ है तो आप ये ध्यान दें कि आपके घरों में या घरों के आसपास, घरों में जैसे कूलर यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग, तो कूलर में कोई पानी इकट्ठा ना हो, या घर के आसपास कोई ड्रेन हो तो उसमें कोई पानी इकट्ठा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी पानी में एडिस नामक जो ये मच्छर होते हैं वो आपके ग्रो करते हैं। तो अगर पानी इकट्ठा होगा तो वो मॉस्किटो आएंगे, फिर वो मॉस्किटो किसी को बाइट करने के चांसेस रहेंगे और डेंगू होने के चांसेस रहेंगे। घरों में आपको मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, अगर डेंगू फैला हुआ है तो आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कीजिए। अगर मॉस्किटो नेट अवेलेबल नहीं है तो किसी भी प्रकार के मॉस्किटो रिफिल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप फुल स्लीव से कपड़े पहनकर निकलें, जिससे आपको मच्छर ना काट पाएँ और आप डेंगू से प्रिवेंटेड रहें। और साथ ही साथ अगर डेंगू फैला हुआ है तो डेंगू की प्रिवेंटिव मेडिसिन का यूज़ ज़रूर करें। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके और डेंगू की प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में उनको भी पता चल सके। थैंक यू।